हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविनिटी टेरोसिक्स वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा खास है। वो है आपके पर्सन जो है सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और उनका अगला कदम क्या होगा आपके ज़िंदगी में। सो बहुत ज़्यादा खूबसूरत टॉपिक है, क्योंकि सुबह का जो सोच होता है काफ़ी ज़्यादा, वो यू कैन से दैट इट्स फुल ऑफ, यू कैन से दैट इट्स एक्चुअली न्यू, बिकॉज हम मॉर्निंग में न्यू रूटीन को स्टार्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स हम देखने वाले हैं उनका मोटिव, उनका इंटेंशंस, उनकी भावनाएं, वो कितना कदर करते हैं आपका इसी रीडिंग के द्वारा। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो आज स्केच मैंने बनाया है, थोड़ा माफ कर देना अगर ये पैरोट आपको दिख रहा है, बट दिस इज नॉट अ पैरोट, दिस इज एन ईगल स्केच। ठीक है, तो मैंने रेड बिक इसका बनाया है, इसका जो होंठ है मैंने रेड इंटेंशनली बनाया है, बिकॉज इट्स फुल, इसका जो सिंबलाइजेशन है, ठीक है, द स्केच ऑफ यू कैन से द ईगल जो होता है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाईली फ्लाई, कैन से दैट इट ट्रेवल्स एंड फ्लाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ऊंचा तक वो उड़ते हैं। और ईगल देखना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। एक एक कल्चर एक एक तरह से लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ईगल देखना मतलब आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत है। ठीक है, तो सुबह तो नई शुरुआत ही होते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन क्या फीलिंग्स रखते हैं, और इसका एक सिंबलाइजेशन भी है कि इट मीन्स मैजेस्टी, इट मीन्स स्ट्रेंथ, इट मीन्स लॉयल्टी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस, देख लेते हैं। आप अपने पर्सन को एनालाइज कीजिए। मुझे लग रहा है कि जिस दौरान आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, तो आप थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा आप क्यूरियस होंगे इस रीडिंग को देखने के लिए, बहुत ज़्यादा उत्साही होंगे। लास्ट में हम कुछ क्लूज देंगे विद द इनिशियल्स एंड चार्म्स, ताकि आपको पता चले ये और भी डिटेल्स। ठीक है, सो आज मैंने लिया है रेड कैंडल। सो रेड सिंबलाइजेस द लव, द पैशन फ्रॉम द हार्ट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनके बारे में सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ओके, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है, ये इंसान जो है ना, सुबह सुबह उठ के, मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, सुबह सुबह उठ के ये ऐसे इंसान है, ऐसा नहीं है कि ब्रश करना, फिर वॉशरूम जाना, फिर नहाना, नो, ये क्या करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये ऐसे इंसान है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाले। मतलब एक बार वो वॉशरूम जा रहे हैं, हम बोल रहे हो कि क्या, हाँ वॉशरूम जा रहे हैं, फिर वो वहाँ पर ब्रश करके, ठीक है, नहा धो के फिर ये बाहर निकल रहे हैं। और देखो यहाँ पे दिस सिंबलाइजेशन, आइदर इट कैन बी सम काइंड ऑफ किडनीज, ठीक है, ये मुझे एक किडनी दिखाई दे रहा है, या लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स ऑफ कोर्स, ठीक है, तो आपको कौन सा ऑर्गन दिखाई दे रहा है आप ज़रूर बताना, या आपको कोई बटरफ्लाई दिख रहा है कि नहीं आप ज़रूर बताना। ठीक है, मुझे यहाँ पे अगर ये किडनी का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना, देखो किडनीज क्या करते हैं, स्पेशली दे फिल्टर आउट द टॉक्सिक एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉडी। हमारे जो शरीर की जो गंदगी होता है वो किडनी ही फिल्टर करती है। जिस तरह से साफ पानी हमें मिलता है बाय फिल्ट्रेशन, तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है उनके ज़िंदगी में जो एक्सट्रीमली डार्क एलिमेंट्स, मतलब निगेटिव से भी निगेटिव, जिस तरह से ब्लैक चारकोल होता है, नॉट कोल, आई एम टॉकिंग ऑफ चारकोल, चारकोल जैसा काला जो एनर्जी है, चारकोल तो ऐसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि चारकोल इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ फिल्ट्रेशन, बट चारकोल का कलर जो है एक्सट्रीमली डार्क, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं पे डार्क नेगेटिविटीज या अपने जिंदगी में कुछ ऐसे प्राइवेट लम्हे जो शायद इन्होंने आपके साथ कभी शेयर नहीं किया था, तो वो सोच रहे थे कि आपके साथ वो राज अगर वो शेयर करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पे सुकून मिल जाएगा, उनको तकलीफ से आज़ादगी मिल जाएगा। ये इंसान इसी तरह का इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा अपने परिवार का परंपरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका को ये काफ़ी ज़्यादा अपनाते हैं और इनमें इनका काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी है। इनको मान जिस तरह से होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते हैं लेकिन जब वो घर में जाते हैं ना तब वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ही बिहेवियर करते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो फिर से एक पोजीशन यहाँ पे नज़र में आ रहा है कि वो कुछ गेम्स खेल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा बैटिंग या कुछ स्पोर्ट्स में हो सकता है कि सुबह सुबह उठकर ये जॉगिंग करते हो या आप करते हो, या कहीं ना कहीं पे इंसान जब भी अपने सुबह उठ के जो एक्सरसाइजेस होते हैं तो ये सब कुछ ये शायद करते हैं, इसलिए वो चीज़ आया। क्योंकि सुबह आपके पर्सन क्या सोचते हैं, ये इंसान जो है मुझे लग रहा है कि आपके बारे में ये सोच रहा है कि देखो उल्टा तो खुद इन्होंने घमंड दिखाया या खुद ईगो इश्यूज़ के वजह से ये ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुके हो और उनके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप अपना करियर में आगे बढ़ रहे हो या आप अपना मोटिव जो है बदल चुके हो। इस इंसान के पास शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप ने डिसाइड कर लिया नहीं मुझे खुद नहीं जाना है, तो ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आप इनको कॉल बैक नहीं करोगे अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, शायद इन्हीं को करना पड़ेगा। तो उनकी जो है ना परंपरा में हो सकता है, अगर ये मेल है तो हो सकता है कि इन्हें परंपरा है कि इनके खानदान में इतना लेडीज़ को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता या प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, हो सकता है स्पेशली बहू को नहीं दिया जाता। अभी तो देखो सब लोग का एटीट्यूड, सब लोग चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, समाज हमारा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ फैमिलीज़ में होते हैं और ये कोई दोष का बात नहीं है, बट उनकी परंपरा है, रीति है कि इनको फॉलो करना पड़ता है। शायद उनको लग रहा है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो उनको लग रहा है कि काफ़ी कुछ रिचुअल्स था शायद आपने फॉलो नहीं किया, कुछ कार्यक्रम अगर होता है इनके घर में, ठीक है, तो शायद आप मतलब आपके 100% डेडिकेशन के बावजूद भी आपके पर्सन आप में कुछ ना कुछ खोट देखते ही थे, चाहे आप इनसे मैरिड हो या अनमैरिड, मतलब मैरिड नहीं हो। कहीं ना कहीं पर मुझे लग रहा है शुरुआत में जब आपके पर्सन आपसे मिले तो शायद उनको चाहिए था पूरी तरह से उनके हुकूमत पे चलने वाले लड़का या लड़की, लेकिन वो उनको नहीं मिल रहा था या उनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, इसलिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया प्लान को कि आपके साथ वो फ्यूचर सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट इनके फ्यूचर, जो फ्यूचर मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि सुबह ये फाइनली क्या सोच रहे थे, ये ऐसा सोच रहे थे कि यस वन डे आई विल कम इन टू यूनियन विद दिस पर्सन। यहाँ पे देखो एक चीज़ जो बन रहा है, इट्स लाइक अ वाई, हो सकता है कि आप एक साल तक आप दोनों के बीच में इस तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है या एक साल तक आप लोग शायद नो कांटेक्ट में हो, मतलब वन ईयर, मतलब 1 जनवरी कुछ मायने रखता है आपके लाइफ में, इस तरह से मुझे दिख रहा है। दूसरा है कि इनके जो राशि हो सकता है वो है जेमिनी, ओके, उनके राशि हो सकता है पाइसेस, उनके राशि बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना सेजिटेरियस भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आप पीछे हट रहे हो, तो ये इनको महसूस हो रहा है, इनका इंट्यूशंस ये कह रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो इनसे और वो होना भी चाहिए, ठीक है, ये जस्टिफाइड इनको लग रहा है कि ठीक है मैंने तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया है या मैंने उनको खास इम्पोर्टेंस नहीं दिया है तो वो क्यों मुझे देगी या ये वो क्यों मुझे देगा। तो इस बात का रियलाइजेशन उनको हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन डाउन है, तो वो सोच रहे थे कुछ अच्छा खासा नौकरी की तलाश में है ये इंसान, ऊपर से आपका साथ भी नहीं था। शायद ये इंटरव्यू देने के लिए बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठ जाते हैं और स्पेसिफिकली
ये शायद वेडनेसडे को या मंडे को जाते हैं कोई न्यू जॉब या न्यू इंटरव्यू या कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरुआत करने के लिए, ये जाते हैं मंडे को या वेडनेसडे को, आप लोग पूछ लेना इनसे, ठीक है? क्योंकि उनको मान्यता है कि मंडे और वेडनेसडे ये दोनों दिन शायद खास होते हैं। कि मेरा यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है, सिंस आई डू मेडिटेशन आई कैन रिसीव द डाउनलोडिंग मैसेजेस ऑफ द यूनिवर्स, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्स यहाँ पे 3 भी आया है, एक मंदिर भी आ रहा है, मंदिर या मस्जिद या कुछ भी, मतलब होली प्लेस यहाँ पे मुझे दिखाई दिया। यहाँ पे कुछ ऐसे स्माइलिंग फेस भी दिखाई दे, शायद वो मुस्कुरा भी रहे थे, ठीक है? सुबह सुबह आपके फोटोज़ देख रहे थे, आप पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो चुके हो, या आपके जो स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा स्टाइल आपने अडॉप्ट किया है, ठीक है? आपने ट्रेंडी, शायद ट्रेंडी कोई डिज़ाइनर वेयर या ट्रेंडी मेकअप कोई कुछ भी हो, ट्रेंडी स्टाइल्स, ठीक है, आप फॉलो करना शुरू किए हो, शायद आप पहले नहीं करते थे। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन को, ठीक है, सुबह सुबह उठ के एकदम अर्ली मॉर्निंग इनको चाय चाहिए होता है। तो शायद जब आप लिव इन रिलेशनशिप्स में थे या आप उनके साथ मैरिड थे, इवन उन्होंने शायद इस बात का भी जिक्र किया था कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के चाय वाय पीना होता है, तो जब मेरा शादी होगा आपसे तो आप मुझे क्या बना के दोगे अर्ली मॉर्निंग, ठीक है? इस तरह का कुछ आपके साथ कन्वर्सेशन हुआ होगा, तो ये चीज़ को वो याद कर रहे थे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन आपके पर्सन शायद यहाँ पे नहीं रहते हैं, शायद वो कोई मेस में रहते हैं या कोई जगह पे इस तरह से रहते हैं कंपनी क्वार्टर्स में जहाँ पे शायद आप नहीं जा पाए, तो वो चीज़ आपके हाथों से वो बना हुआ ताज़ा, ठीक है, चाय या कॉफ़ी इनको बहुत पसंद है और इस चीज़ को बहुत याद कर रहे थे। एक्स वाई एल बी एफ 8 5 G 11 U आर इम्पॉर्टेंट ओवर है। तो मुझे यहाँ पे धुंधला सा महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं पे उनको बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूशन्स तो हो ही रहा था। आपको आप ऐसा फील कर रहे थे कि येस आई वॉन्ट अ फ्यूचर लाइफ विद दिस पर्सन, बट ये पर्सन को मनाना बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है? ये पर्सन किसी भी हालत में क्या मेरे बात मानेंगे, मेरा बात सुनेंगे? अगर ये मेरा बात सुनते भी है, सो देर इज़ अ ओवरलैपिंग ऑफ हार्ट्स, 3 बार यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, हार्ट से हार्ट मिल रहा है, हार्ट से हार्ट मिल रहा है, ठीक है? सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। कहीं ना कहीं पे आप दोनों करीब आना चाहते हो, लेकिन ईगो इश्यूज के वजह से यहाँ पे देखो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है? आपको इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर some of you, maybe you see the symbol of an eagle, okay, or you see the, you can see clouds, हो सकता है कि videos में आप देखो कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से floating clouds आप देख रहे होंगे, आपके घर के बाहर से आप देख रहे होंगे, okay. आपके person के साथ वो जो आपका open type restaurant में बैठना, वो खुली हवा, ताज़गी, ये सब चीज़, ठीक है, और कई घंटों के साथ बात करना या ऑनलाइन आप लोग बहुत बात किया करते थे ना, वो चीज़, तो उनको लग रहा है कि काश रात को मेरे साथ बात हो जाता, शायद बहुत दूर कनेक्शन के वजह से शायद सिग्नल भी नहीं पहुंच रहा था। ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, अच्छे खासे भी बात कर रहे हो, लेकिन सिग्नल्स के वजह से शायद आप लोग की बात नहीं हुई। यहाँ पर मुझे ट्रॉली बैग दिखाई दे रहा है, ट्रॉली बैग्स पहली बार हुआ है कि इस रीडिंग में ट्रॉली बैग मुझे यहाँ पे शेडो में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पे उनको मन कर रहा है जहाँ पे भी है वो आपके पास आ जाए, सब कुछ छोड़ के बैग पैक करके आपके पास आए और आपके साथ एक नई सफ़र में, ठीक है, इनकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से एक हंसी, मतलब जैसा बोला जाता है ना, खिलता हुआ परिवार, जहाँ पे बच्चे की आवाज़ गूंज रही हो, जहाँ पे सब कुछ फाइनेंशियली भी सब लोग अच्छे खासे चल रहे हो, ये आपके पर्सन जो है अपने बच्चे का फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे थे, एंड दे वर थिंकिंग अबाउट लेगेसी, ठीक है, वो क्या छोड़ सकते हैं अपने बच्चे के लिए, इस ये भी सोच रहे थे। अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, डिवोर्स हो, मुझे लग रहा है कि बच्चा एक मेन फैक्टर था जो आप दोनों के बीच में आया, और कहीं ना कहीं पर इनको ऐसे भी लग रहा है सेपरेशन करने से वो हेजिटेट कर रहे हैं कि इनको लग रहा है बच्चे के फ्यूचर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, समाज भी है,
तो कहीं ना कहीं पे ये शायद आपकी ज़िंदगी से जाना तो चाहते थे, लेकिन यहाँ पे देखो देखो, कैन यू सी, दिस इज़ द वुमेन, दिस इज़ द मैन, एंड जितना आप बच्चे के क्लोज हो ये भी क्लोज है, और यहाँ पे खास दिख रहा है। या ये भी हो सकता है अगर आप अनमैरिड हो तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर तो मुझे अपना बीवी बच्चे सब चाहिए, हस्बैंड चाहिए, बीवी बच्चे जो भी है, ठीक है, तो मुझे तो कुछ कर दिखाना ही पड़ेगा, या कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ मिस्ट्री है जो ये सॉल्व करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑफिस जाने से पहले या कुछ काम करने से पहले इनके माइंड बहुत ज़्यादा पजल्ड था, ठीक है, और ये अपने आप को ही कोस रहे थे। बट आपसे जो प्यार इन्होंने किया है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, भले ये दूसरे कनेक्शन में है अभी या किसी और के साथ आपके पर्सन की शादी हो गई, लेकिन वो उस पास्ट मेमोरी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, देर वॉज नो एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम मूवीज में जाते हैं तो हम एंटर को तो कर देते हैं, लेकिन एग्जिट पॉइंट अगर बंद हो गया, एग्जिट पॉइंट हमको शो नहीं किया जाता, तो हम कहाँ से नीचे उतरेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर ब्लॉक्ड है वो एग्जिट पॉइंट, अगर ब्लॉक्ड हो जाता है तो काफ़ी मुश्किल होता है, राइट। यहाँ पे मुझे बताने की एक कॉफिन दिख रहा है, मीन्स द डेथ कार्ड, लाइक उनको लग रहा है शायद ये रिलेशनशिप फ्यूचर में नहीं हो पाएगा, या आपके पर्सन को लगता है कि अभी तो सब कुछ ख़त्म है, कब 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 कैसे शुरुआत हो सकता है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, एंड कहीं ना कहीं पे आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, एंड मेंटेलिटीज मैच नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी प्रोवोकेशन यहाँ पे ज़रूर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके ऑलरेडी बीवी बच्चे हैं, तो ये जल्द से जल्द आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी ये अफसोस है। मे बी एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है ना, ये इंसान आपको इमेच्योर समझते हैं, और इनको लगता है कि, ठीक है, उनको लगता है कि क्या आप इनके साथ फ्यूचर में एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो देर आर वेरी, यू कैन से दैट, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके, दैट गोज ऑन इन देयर लाइफ, ठीक है। तो सुबह सुबह इनकी एनर्जी मिक्स्ड टाइप ऑफ फीलिंग्स आई कैन फील एंड आई कैन विजुअलाइज, और काफ़ी ज़्यादा पजलिंग था, ठीक है, ओके। सो लेट मी सी विद द चार्म्स, रूनस एंड इनिशियल्स, तो ठीक है, हम इसको यहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने रैंडमली यहाँ से निकाल दिया है चार्म्स और इनिशियल्स, ठीक है, ओके। EF X, मैंने आपको ये भी बताया था, X मुझे दिखा 24, ओके, 2 4 7, देखो 2 3 4 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट, जस्ट से मैं ऐसा कर देती हूँ, आपको सब कुछ दिखाई दे। SII दो बार आया, यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम का सिंबल है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, दिस इज लाइक दैट। MNL, यहाँ पे एक रिंग आ रहा है, सो ऑफकोर्स इट्स अ प्रॉमिस टू बी फुलफिल्ड। यहाँ पे एक टावर आ रहा है, ओके, यहाँ पे वीडियो कैमरा है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके पर्सन जो है, ठीक है, सोच रहे थे कि सारे जो फ्लैशबैक है वो भी सोच रहे थे, यस, ये ऐसा भी सोच रहे थे कि इस कनेक्शन में इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है, बट ये आपके साथ फ्यूचर में बच्चे तो चाहते हैं, नो डाउट, देखो, ओके। एक्स के लिए कोई देख रहा है यहाँ पे स्ट्रांगली, कुछ लोग, यहाँ पे इयर रिंग्स है, आपके पर्सन शायद गिफ्ट किए थे कोई फेवरेट वाला आपको इयर रिंग्स, अगर आप फीमेल हो, या ये एक कान में पहनते हैं, मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि दो यहाँ पे नहीं है, ओनली वन, सो आई डू बिलीव दैट, ओके। सिम, ये पर्सन आपका खुद का सिम बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, मे बी दे ट्रैवल, मे बी दे सेटल इन अदर प्लेसेस, ओके। 3 4, इट कम्स टू 7 अगेन, 34 43 इम्पॉर्टेंट है, 24 23rd 27th डेट इम्पॉर्टेंट है, ओके। फायर ब्रिगेड में ये इंसान काम कर सकते हैं, ओके। सिजलर खाना इनको बहुत पसंद है, या आपको, या आप दोनों ने खाया था, ठीक है, तो देर वॉज अ, देर इज ऑब्वियसली अ ब्रेकअप,
और बहुत कुछ अवेयरनेस हुआ इस इंसान को आफ्टर द ब्रेकअप एंड दे वांट टू, जो आपको कंट्रोल किया करता था ना एक समय पे, वो इंसान आपको खुद आके लिबर्टी देंगे, ठीक है, आपको आज़ादी देंगे कि आप अपना डिसीजन ले सकते हो। हो सकता है कि इनके परिवार वाले आपको आज़ादी नहीं देते थे अपने मन मर्जी से चलने का, हो सकता है इस तरह से। ओके, जिप, तो हो सकता है ये इंसान, जिप मतलब इट्स अ चेन विच नीड्स टू बी क्लोज्ड एंड ओपन एट टाइम्स, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपना मुंह जो है ना साइलेंट करके बैठे हुए हैं, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, टू सम एक्सटेंट मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। ओके ओके, यस, समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, कुछ तो क्रिप्टिक है जो शायद ही आपको बोल नहीं पा रहे। प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे, यहाँ पे मुझे मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज ब्लेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। अ स्वीट टेडी बियर, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा टॉयज आपको गिफ्ट किए हो, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज की बात कर रहे हैं हम। बटरफ्लाई यहाँ पे आया है, सो ऑफ कोर्स मैंने रीडिंग के पहले ही बताया था कि बटरफ्लाईज आ सकते हैं। मीना किसी का नाम हो सकता है, जीशन किसी का नाम हो सकता है, परवीन किसी का नाम हो सकता है, सीमा किसी का नाम हो सकता है, लीना किसी का नाम हो सकता है। ओके, कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिपार्टमेंट में है, आईआईटी हो सकता है आपके पर्सन पास आउट हो या आप हो, ठीक है, आप आईआईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो इस वक्त, तो आपको तो ध्यान वहाँ पे देना चाहिए, हाँ, स्टडीज़ में। दूसरा चीज़ है कि शायद ये कोई ब्लॉगर भी हो सकता है या वीडियो क्रिएटर भी हो सकता है, ऑनलाइन वीडियो क्रिएट करते हैं, फोटोग्राफी का शौकीन है, इनको बहुत अच्छे तरह से पता है लेंसेज कैमराज एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई होप मे बी द जुलाई मंथ, मार्च, अप्रैल, फरवरी कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।